जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो आप लोग जो कि है, ये बाथरूम में पानी पूरा सिपेज कर रहा था। पानी ये यहाँ से निकल रहा था क्योंकि टाइल्स में अच्छे से ग्राउटिंग है। और वहाँ पे वो देख सकते हो, ये छेद दिख रहा है लोगों को, इसमें बस टाइल लगी थी। और ये पॉइंट जो है, अगला प्लम्बर जो है भूल गया था, तो हमको बताया गया। फिर हम क्या किए, यहाँ से टोटी हटा दिए हैं, ये बांधी थी टोटी, टोटी हटा दिए हैं, यहाँ खोद दिए थे। तो पानी जब टंकी का खोला गया तो यहाँ से पानी निकलने लगा, टंकी खाली हो जाती थी। अभी सप्लाई आई थी तो भरा गया, टंकी जो है खाली होने लगी, फिर यहाँ से निकल रहा था पानी। मैं क्या किया हूँ, तोड़ते 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 ये तोड़ते रहा, ढूंढते रहा, तो वहाँ पर जाकर मिला। यहाँ पर ये देखो, चूड़ी भी टूटी है इसमें, जो कि चूड़ी मैं ठीक करूँगा, वही चेक कर लिया हूँ। यहाँ भी कोई फाल नहीं था, यहाँ से पानी निकल रहा था। पूरा दीवार पूरी गीली है, और मैं दीवार के पीछे दिखा देता हूँ, एक पीछे टाइल लगी थी, वो टाइल्स गिर गई हैं, इसलिए मेरे को बुलाया गया था। मैं तोड़ के देखा हूँ तो वहाँ पॉइंट भूल गया था, ऊपर से टाइल लग गई थी, पॉइंट अंदर ही रह गया था, तो पानी पूरा सीपेज करता था। चलिए मैं पीछे की दीवार दिखाता हूँ जो कि है कैसे गिर गई है। मैं चल रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हो, ये देखो ये सारी टाइल्स गिर गई है, जो भी है ये सब सीलन के कारण से ही गिर गई है। यहाँ सब सीलन आ गई है अंदर से, और ये इसके अंदर था मैं, इसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके के फॉल्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सब सीलन थी पीछे से, उधर से ही थी, ये गिर गई थी टाइल्स पूरा, इसलिए मैं देखा अंदर, बल्कि अंदर भी देख सकते हो कि कैसे गिर गई है। चलिए दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें।